खड्डा तहसील क्षेत्र अंतर्गत इंटर कॉलेज छितौनी में एक कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता की बढ़ावा को लेकर उपजिलाधिकारी खड्डा उपमा पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुभारंभ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी खड़ा उपमा पांडे ने कहा कि लैंगिक समानुपात की दर बहुत ही कम है, हमें तब तक काम करना है जब तक पुरुषों की बराबरी महिलाएं नहीं कर लेती। पुरुष और महिलाएं एक गाड़ी के दो पहिए के समान हैं, जो दोनों पहियों के सहारे जीवन की गाड़ी आसानी से चलती है। वहीं इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता की झांकियां दिखाई गई, जिससे पुरुषों की अपेक्षा 50% महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी कर सकें। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी खड्डा शिवाजी सिंह, तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी खड्डा, नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा खड्डा, हनुमानगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव, चौकी इंचार्ज अजय सिंह, थाने के कांस्टेबल तथा महिला कांस्टेबल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील कुमार तथा परीक्षा नियंत्रक आकाश कुमार ने सभी आगंतुक गणमान्य का स्वागत आभार व्यक्त किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत धैर्य से बच्चों का पूरा प्रोग्राम देखा और इस दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आप हैं, मतलब मातृशक्ति। माताएं ही असली शक्ति है, उसके बाद कोई चीज आती है। बस फर्क ये है कि धीरे धीरे समय के साथ माताओं ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं हैं। आपको इस प्रकृति ने इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना की जिम्मेदारी है दी है। आप हुए तो हम हुए, आप हुए तो ये हुए, आप हुए तो ये हुए, आप हुए तो ये विद्यालय हुआ। और आप सब ने इतनी विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी इन बच्चियों को स्कूल भेजा, आप सबके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। हम सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, ये लड़के जो हमारे सामने हैं, कि माताओं ने, हमारी माताओं ने वो दौर देखा है कि जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो दौर देखा है जब महिलाओं की शक्ल कोई देख नहीं पाता था। उस दौर में हमारी माताओं ने अगर हमारे लिए ये सोचा कि हमारी बेटियां कुछ बन पाए, तो ये आसान काम नहीं था, ये बहुत कठिन काम था जो आपने कर दिखाया है।